जिंदा बचे लोगों द्वारा सरगोशियों में सुनाए जाने वाली ये कहानियां हर बार नए राज खोलती हुई अधिक अधिक रोमांचक होती जाती है। आधुनिक किरत को आकार देने वाली लड़ाई ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है। परदेसी बेगम मिन ने अपने फायदे के लिए पुराने आदिवशवाओं का सहारा लिया और भयानक राक्षसा के जैसे अपने विशिष्ट योद्धा तैयार किए। उन्होंने पुराने जमाने के हथियारों से लड़ाइयां लड़ी, हाथियों पर सवार होकर लड़ने गए और अपनी ओर से लड़ाई करने के लिए आनिया जंगली जानवरों को बुलाया। प्राचीन विधियों में कुछ फेर बदल कर औषधियां तैयार की जिसे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अति मानवीय शक्तियां प्राप्त हुई और मानव मस्तिष्क का उपयोग किया ताकि वो अदृश्य हो सके। उनके अधिकांश शत्रु उनके घातक प्रहारों को कभी देख नहीं सके, लेकिन हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। नवनिर्मित सुनहरे पात में इस पद की ताकत का उपयोग किया गया। ऐसा लगता था कि उन वानों के पहिए धरती को काटते हुए आ रहे हैं। ऐसी बंदूकें जो आग और धुआं उगलती थी और उनके हथियार आसमान से मौत बरसाते थे। ये टांकाओं की लड़ाइयों के इतिहास को याद करता है जिनके खून से यहाँ की चट्टाने और पैद बौद्ध भी रंगे हुए हैं। मैं ये नहीं बता सकता कि ये कहानियां कितनी सच्ची है या झूठी, लेकिन जब आप खुद इसे देखेंगे तो जरूर मान जाएंगे।
जाओ। Thank you.
demon mass before the Rakshasa destroy them.
Confirmed. Kill. They've got the bell tower online. Get me some help!
Gun does not have a mask. Cut them off. A new mask is available. Mask drop. Take it back.
Charge of the Royal Press.
the bell tower. Charge of the press deactivated. Eliminated. Our positions are being broadcast. Shut it down. Bring me over.
going to be okay. Just stay with me. Towers offline. We've armed the charge at the printing press. Thank you.
We've armed a charge at the radio transmitter. We couldn't take off.